नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्लैंड इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नया मेडिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूं सैबिग्लो क्रीम। सैबिग्लो क्रीम को ग्लेनमार्क कंपनी मार्केट करती है और ये बहुत ही पुरानी क्रीम अब हो चुकी है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स और स्किन लाइटनिंग और स्किन को गोरा करने के लिए सैबिग्लो क्रीम इस्तेमाल की जाती है। अब ये क्रीम क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या है इसके इफ़ेक्ट, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट, क्या इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सैबिग्लो क्रीम स्किन को गोरा करने के लिए काम आती है, डीपिगमेंटेशन के लिए काम आती है, परझाइयों के लिए काम आती है, जो छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, दाग धब्बे हटाने के लिए काम आती है। डॉक्टर्स इसे स्किन गोरे करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको अपना स्किन, जिसको टैनिंग हटानी है, जिसको धूप की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तो उसके लिए भी सैबिग्लो क्रीम इस्तेमाल होती है। अब इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड एक ऐसा कंटेंट है जो मेलानिन को बनने से रोकता है और मेलानिन को ऊपर आने से रोकता है। अच्छा कंटेंट है जो आपको थोड़ा सा गोरापन देगा और उसी वक्त टेम्प्ररी ग्लो भी देगा। टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन है। ये टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन इन्होंने हल्दी से निकाला हुआ है। हल्दी आपको जैसे आप हल्दी लगाते हैं, हल्दी आपको एक ग्लो देती है, इनडायरेक्टली इन्होंने थोड़ी सी हल्दी का एक कंटेंट लिया हुआ है जो आपको अच्छे से ग्लो देगा और आपको एक ग्लोइंग, एक फ्रेश लुक देगा। अर्बुटिन हाइड्रोक्विनोन जैसा काम करता है। अर्बुटिन क्या करता है दोस्तों, पिगमेंटेशन को घटाता है। मेलानिन इंसान में जितना ज़्यादा होता है उतना वो ज़्यादा काला दिखता है। मेलानिन जितना इंसान में कम रहता है उतना ही इंसान गोरा रहता है। मेलानिन एक कण होता है जो हमारे चमड़ी में होता है। अब अर्बुटिन क्या करता है, मेलानिन को दबाने का काम करता है, मेलानिन को रोकता है, ये काम करता है अर्बुटिन। तो अच्छा है, गोरा होने में आपको मदद करेगा अर्बुटिन, मेलानिन को दबाएगा। टोकोफेरॉल एसीटेट विटामिन ई का दूसरा नाम है। टोकोफेरॉल एसीटेट स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है। टोकोफेरॉल एसीटेट टेट्राहाइड्रोड्रोपाइपरिन क्या करता है, स्किन को ठंडा रखने का काम करता है और पिंपल्स, स्कार जो हैं, दाग धब्बे जो पिंपल्स की वजह से हो जाते हैं उनको दबाने का, उनको ढकने का काम करता है टेट्राहाइड्रोपाइपरिन। अब इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इंग्रेडिएंट्स ठीक ठाक डाले गए हैं, स्किन वाइटनिंग के हिसाब से ठीक ठाक इंग्रेडिएंट्स हैं। और भी बेटर क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो इससे सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं, जिनों में ग्लूटाथायोन डलता है, जिनमें कोजिक एसिड डलता है। इन्होंने कोजिक एसिड भी नहीं डाला है जो एक अच्छा डीपिगमेंटेशन के तौर पर साबित हो सकता था। अब क्रीम की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 15 ग्राम की क्रीम है जो 440 रुपीज़ जिसकी MRP है। ग्लेनमार्क कंपनी इसे मार्केट करती है। ड्राई क्रीम है, आपको सुबह नहाने के बाद इसे लगाना है और दिन में दो बार लगा सकते हैं, रात को सोते समय भी और सुबह नहाने के बाद भी। आपको स्किन पिगमेंटेशन में अच्छी रिजल्ट्स देगा, दाग धब्बे और स्किन को गोरा करने में आपको अच्छे रिजल्ट्स सैबिग्लो क्रीम आपको दे सकता है। अब इसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, गोरा स्किन चाहिए आपको, थोड़ा स्किन लाइटन करना है, टैनिंग हटानी है, तो श्योरली सैबिग्लो क्रीम खरीदिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं, बिल्कुल भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नॉन स्टेरॉयडल क्रीम है, पैराबिन फ्री नहीं है, लेकिन नॉन स्टेरॉयडल क्रीम है। स्टेरॉयड नहीं होने के कारण ये आपको अच्छे रिजल्ट 100% देगा। और साथ ही साथ में आपको और भी काफ़ी सारे इसके साथ इलाज करने पड़ेंगे। अगर आपको और भी पिगमेंटेशन की तकलीफ़ है तो आप श्योरली और भी इलाज चालू रखिएगा, जिससे सैबिग्लो क्रीम और भी अच्छा असर दिखा पाए। अब वो आपको अपने डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा और श्योरली उन्होंने और भी चीज़ें लिखी होंगी जो पिगमेंटेशन के लिए, रोकने के लिए काम आती है। अकेली सैबिग्लो सक्षम नहीं है पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सक्षम है भी। तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होने के कारण आप इसे श्योरली गोरा होने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।